जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें। खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, बोले मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा दाहोद। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित किया, साथ ही लगभग 22,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं की नींव भी रखी। इसमें दाहोद में रेलवे उत्पादन इकाई में 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण की परियोजना भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दाहोद अब मेक इन इंडिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना, स्कूलों के लिए SOP जारी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बीच दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ शहरों में मास्क अनिवार्य होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी कठोर कदम उठा लिया है। अब दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक बुलाई थी, इस बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कोरोना के मद्देनजर स्कूलों के लिए नए सिरे से SOP जारी कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 11वीं किस्त पाने के लिए EKYC है जरूरी, पोर्टल की बजाय इस तरह से पूरी कराएं प्रक्रिया। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने पीएम किसान योजना के लिए EKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है और वो भी पोर्टल से करवाने की आप इंतजार कर रहे हैं, तो अब ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी CSE सेंटर जा सकते हैं और वहां पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस सूचना को साझा किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक और पुरानी प्रथा को तोड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सूर्यास्त के बाद लाल किले से आज करेंगे राष्ट्र को संबोधित। यहाँ पर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सूर्यास्त के बाद मुगल युग के स्मारक लाल किले पर भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर गुरुवार रात पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे संबोधित करेंगे और उनका भाषण समुदायों के बीच शांति और सद्भाव के बारे में होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी पुतिन ने भेजा है 3.6 लाख टन का DAP, नहीं होगी अब खाद की दिक्कत। आपको बता दें कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, खरीफ के सीजन में उनके लिए खाद की कोई कमी नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अभी भी जारी है, इस कारण से देश में खाद की किल्लत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस लड़ाई के कारण रूस से भारत को खाद की सप्लाई बाधित नहीं हुई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई 24 फरवरी को शुरू हुई थी, तब से रूस से 3.60 लाख मीट्रिक टन खाद भारत पहुंच चुकी है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि पुतिन को बड़ा झटका, डोनबास में हमले की 10 कोशिशें हुई नाकाम, मारियांका से भी रूसी सेना खदेड़ी गई। यहां पर आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपना फोकस डोनबास के कब्जे पर लगा दिया है। डोनबास पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है और पश्चिमी यूक्रेन की तुलना में यहां रूसी समर्थक आबादी ज्यादा मानी जाती है। यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक डोनबास में पहले से ही रूस के समर्थन में 10 से 20 हजार लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि इसके बावजूद रूसी सेना के लिए डोनबास पर कब्जा कर पाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि जंग के 35 दिन पूरा होने के बाद में रूस के सैनिकों ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है, अब रूसी सेना डोनबास को पूरी आजादी पर फोकस करेगी। यहां पर आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने इसे रूसी सेना की नाकामी से जोड़ा था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि खार्किव को खाक कर रहा है रूस, तबाह किए करीबन 2000 घर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में करीबन 2 महीने पहले हुई जंग की शुरुआत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना काफी आक्रामक होती नजर आ रही है, मारियोपोल जैसे शहर करीब करीब तबाह हो चुका है, वहीं अब रूसी सेना के निशाने पर खार्किव है। खार्किव में रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने एक ही दिन में करीबन 40 भवनों को निशाना बनाया है। खार्किव में हमले अभी भी तेज हैं। रूसी हमले में खार्किव के करीबन 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक आम नागरिक भी घायल हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को दुनिया का सबसे बर्बर सेना बताया, कहा कि सारी हदें पार की। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस की सेना को दुनिया का सबसे बर्बर सेना करार दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों के पास जो भी हथियार उपलब्ध हैं, वे यूक्रेन के खिलाफ उन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा है कि रूसी सैनिकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने हर व्यक्ति, हर वस्तु को निशाना बनाया जो यूक्रेन के खिलाफ उनके संघर्ष का सामना करने में मददगार है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन संकट के बीच जापान का बड़ा फैसला, रूस से छीन लिया मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा।
आपको बता दें कि यूक्रेन के ऊपर रूस लगातार हमलावर होता जा रहा है। इसके मद्देनजर जापान ने रूस से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा भी बुधवार को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया। टोक्यो ने नागरिकों के खिलाफ रूसी सेना के व्यापक अत्याचारों की खबरों के बीच ये कदम उठाया है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि बोरिस जॉनसन आज पहुंचेंगे भारत। सबसे पहले जाएंगे गुजरात, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी अहम चर्चा। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गुरुवार को यानी कि आज 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो आज सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे और प्रमुख व्यापारिक समूह के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान वो ब्रिटेन और भारत में फलते फूलते वाणिज्यिक, व्यापार और लोगों के संबंधों पर चर्चा भी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना 947 और चांदी 2062 रुपए हुई सस्ती। आपको बता दें कि सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 947 रुपए सस्ता होकर 52,552 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 2062 रुपए सस्ती होकर 68,282 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में एक से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू। विशेषज्ञों ने कहा सतर्कता बढ़ाने की जरूरत। आपको बता दें कि देश में 3 महीने में पहली बार आर वैल्यू 1 के ऊपर पहुंच गई है। आर वैल्यू के 1 से ऊपर होने का मतलब है संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से देश में आर वैल्यू में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आर वैल्यू 2 से अधिक है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ ही कर्नाटक में केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आर वैल्यू 2 से तो अधिक है। महानगरों की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में भी आर वैल्यू 1 से अधिक है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखा जाए तो देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2067 नए केस मिले हैं और 40 मौतें हुई हैं, जिसमें से 34 मौतें अकेले केरल से है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चाइना में कोरोना को लेकर कोरोना कंट्रोल के नाम पर अत्याचार। शंघाई में सुसाइड करने को लोग मजबूर। आपको बता दें कि चीन से कोरोना सारी दुनिया में फैला है। अपनी गलती मानने के बजाय चीन ने वुहान में लॉकडाउन लगाकर अपनी कोरोना नीति को सबसे अच्छा बताया। जब अमेरिका, यूरोप और भारत में कोरोना ने कहर मचाया तब जिनपिंग ने खूब अपनी पीठ को ठोका, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हकीकत अब बाहर आ रही है। शंघाई पिछले 21 दिनों से लॉक है। घरों में कैद 2,60,00,000 लोग भूखे प्यासे सुसाइड कर रहे हैं। शक की बिना पर ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिनपिंग के गुंडे आम लोगों से मारपीट कर रहे हैं। चीन में सिवाय जिनपिंग के कोई खुश नहीं है। जनता रो रही है और जिनपिंग अपनी तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत। आंधी के साथ बारिश का अनुमान, इन राज्यों में भी खूब बरसेंगे बादल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी कि 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा चल सकती है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के अगले 5 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बेंगलुरु में 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि कर्नाटक समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।